चुनावी चौसर में आज बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाट पिपलिया से कांग्रेस के उम्मीदवार राजबीर सिंह। राजबीर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। मैं जानना चाहूंगी आपसे राजबीर जी कि आप अपनी जीत को लेकर इस उपचुनाव में कैसे देखते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर अब आप हाट पिपलिया की जनता के पास जाने वाले हैं। देखिए मैडम, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन था और 15 साल में हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र पूरी तरीके से अपनी सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा। सड़क का मामला हो, चाहे विद्युतीकरण का मामला हो, चाहे किसानों के मुआवजों का मामला हो, सब क्षेत्र में हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो मनोज चौधरी जी, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया और कांग्रेस के पक्ष में पूरे क्षेत्र के लोगों ने मतदान किया और उनको विधायक बनाया और उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस से दोगलापन किया, कार्यकर्ताओं के विश्वास को तोड़ा और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसके लिए कार्यकर्ताओं और आम जनता में बड़ा आक्रोश है और निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए सबक सिखाएंगे। राजबीर जी, खाती वोटों की एक बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर रहती है। आपको लगता है कि उस आधार पर किस तरीके से समीकरण आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको जीत दर्ज करनी है? ऐसा है मैम कि इस विधानसभा क्षेत्र से सभी जाति के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। ब्राह्मण समाज ने भी प्रतिनिधित्व किया है, राजपूत समाज ने भी प्रतिनिधित्व किया है, सिंधो समाज ने भी किया है, खाती समाज ने भी प्रतिनिधित्व किया है। तो किसी पर्टिकुलर एक जाति से ऐसा इफेक्ट नहीं है कि खाती समाज को संभालना पड़ेगा। खाती समाज के भी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ हैं और निश्चित तौर पे ये परिणाम रिजल्ट बताएंगे कि किधर ऊंट किस करवट बैठता है। राजबीर जी, वैसे तो उपचुनाव होते हैं, कई अलग अलग कारणों से उपचुनाव होते हैं, लेकिन इस बार जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव है उसका सबसे बड़ा कारण था कि दल बदल। ये दल बदल की भूमिका इतनी बड़ी थी कि उसने सत्ता को ही उलट पुलट कर दिया। क्या इस दल बदल की जो परंपरा है उसका असर यहाँ के चुनाव पर पड़ेगा, मतदाताओं पर पड़ेगा? निश्चित तौर पर मैडम, निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली इस तरह की घटना है कि किसी राष्ट्रीय दल के इतनी बड़ी संख्या में विधायकों ने अपने निजी स्वार्थ के पीछे पार्टी को दरकिनार किया, कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया, आम जनता को दरकिनार किया और सभी को सीधा सीधा उन्होंने धोखा दिया और ये सरकार को गिराई है। वो सरकार को गिराई जो सरकार किसानों के हित में, मतदाताओं के हित में कई निर्णय 1.5 साल के अंदर कर चुकी थी और 1.5 साल में ऐसे कई विकास कार्य उन्होंने किए थे जिसका सीधा सीधा फायदा किसानों को और आम मतदाताओं को, आम लोगों को होने लगा था। वो सुविधाएं से वंचित हो जाने के कारण निश्चित तौर पर मतदाता स्वाभाविक है अपना बदला तो निकालेगा। राजबीर सिंह, जब आप चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं लोगों के बीच में, तो क्या कभी आपके अंदर में ये सुनने को मिला आपको कि ऐसी सुगबुगाहट है कि लोगों के मन में आक्रोश है कि वापस उपचुनाव जाना पड़ा इस दल बदल के कारण या पार्टी बदल देने के कारण? सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा इस उपचुनाव में वही है मैडम कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये जो हुआ है सीधा सीधा धोखा हुआ, ना हम लोगों से पूछा गया, ना हम लोगों को बताया गया और सीधे भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। ये पहली बार ऐसा था कि 14,000 मतों से कांग्रेस का उम्मीदवार इस विधानसभा से जीता था, उसमें सभी कार्यकर्ताओं सभी नेताओं की पूरी भावनाएं लगी हुई थी और सब लोगों ने दिल से मेहनत की थी। तो हर व्यक्ति उनके इस कदम से आघात है और निश्चित तौर पे इसका बदला वो इस उपचुनाव में लेंगे। मनोज चौधरी के चले जाने से राजबीर सिंह, आपको लगता है कि उनके समर्थक या उनके वोट उनके साथ चले जाएंगे या वापस जो कांग्रेस के मतदाता है वो वापस कांग्रेस में ही रहेंगे, ऐसा लगता है आपको? राजनीति में मैडम व्यक्ति विशेष नहीं होता, दल विशेष होता है। पार्टी से व्यक्ति की पहचान होती है, व्यक्ति से पार्टी की नहीं। सीधी सी बात है, मनोज चौधरी जी गए, कोई भी ऐसा पदाधिकारी उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया और सब पूरी ताकत के साथ कांग्रेस में हमारे साथ खड़े हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कार्यकर्ता डिस्टर्ब हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में गया, बल्कि पार्टी के लोग नाराज हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर ये पैराशूट से ऐसे नेता आ गए जिन लोगों की परंपरागत सीट ये रही है और जो लोग बरसों से दरी उठाते रहे भारतीय जनता पार्टी में, उनका भविष्य उनको अधर में लग रहा है। कांग्रेस से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं गया मनोज चौधरी जी के साथ जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सके। 15 साल से बीजेपी मध्य प्रदेश में काबिज है, वापस सत्ता में आ चुकी है बीजेपी और मनोज चौधरी बीजेपी में जा चुके हैं, क्या इसका फायदा मनोज चौधरी को मिलेगा या यहाँ की जनता का फायदा बीजेपी को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा मिलना ही नहीं है मैडम, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो सारी योजनाएं जो कमलनाथ जी ने चालू की थी
वो सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी का शासन आते से उन्होंने उसको सबको ड्रॉप कर दिया। और दूसरा, जिस उम्मीदवार को चुन के जिस चुनावी सरकार को जनता ने बिठाया था धन बल के जोर पे, उसको हटा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी शासन में बैठ गई। तो निश्चित तौर पर आम जनता में, पब्लिक में सीधा सीधा रोष है उस चीज का। भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई फायदा ही नहीं मिलना है, सब नुकसान ही नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा इससे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ के समीकरण पर भी हम चर्चा करें। कास्ट के हिसाब से अभी हमने चर्चा की, दूसरा मुद्दों के हिसाब से अगर हम देखें, हाट पिपलिया जो सीट है, यहाँ के जो प्रमुख मुद्दे हैं, युवाओं के अगर आप देखें तो युवाओं की बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सड़क एक जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर आपको लगता है कि आपको जनता के बीच जाना होगा, उनको विश्वास दिलाना होगा, रोजगार के किस तरीके की बातें आप करेंगे? जी, यहाँ पे मैडम, जो 1984 से मेरे पिता चुनाव लड़ते आए, ठाकुर राजेंद्र सिंह बघेल, 7 चुनाव लड़े, 3 बार वो विधायक यहाँ से रहे। उनके विधायक के कार्यकाल में आर्टिकलिया में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया था, किंतु उसके बाद 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, उसमें वो इंडस्ट्रियल एरिया वैसा का वैसे ही पड़ा, वहाँ कोई इंडस्ट्री वगैरह डेवलपमेंट वहाँ हो ही नहीं पाया। तो आम जनता के बीच में यही बात लेके जा रहे हैं कि अगर आप हम लोगों को मौका देते हैं, कांग्रेस को मौका देते हैं, तो निश्चित तौर पर इंडस्ट्री एरिया को हम डेवलप करेंगे और उसमें छोटे उद्योगों की स्थापना करेंगे जिससे कि आप लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरा रहा सड़क का मुद्दा, तो सड़क के मामले में कमलनाथ जी सरकार बैठते से ही प्रमुख दो सड़कों की मांग थी, चापड़ा से लेके नेवली फाटा मार्ग, और दूसरा थी चिपरा से लेके केलोद, टिगरिया होके केलोद मार्ग। तो दोनों दोनों सड़कों के लिए कमलनाथ जी ने मंजूर किया। माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने उस कामों को मंजूरी दी और उनके टेंडर लग गए, वर्क ऑर्डर जारी हो गया, उन दोनों करोड़ों के काम स्टार्ट है। तो लोगों को निश्चित तौर पर भरोसा है कि 1.5 साल के अंदर अंदर ही कांग्रेस सरकार ने ये काम कराए हैं, तो आगे भी सड़कों के काम कांग्रेस सरकार ही कर पाएगी। 15 साल से जो काम नहीं, 1.5 साल में क्या कुछ मिल पाया राजबीर सिंह हाट पिपलिया को? कुछ तो चीजें आपने बताई, क्या कुछ युवाओं के लिए, क्या कुछ दूसरे लोगों के लिए कांग्रेस की तरफ से हाट पिपलिया को कुछ मिल पाया जिसे लेकर आप लोगों के पास जाएंगे? बिल्कुल मैडम, 3,000 करोड़ की ये दोनों सड़कें मिली हैं मैडम पीडब्ल्यूडी से, और उसके बाद 1 करोड़ रुपया हाट पिपलिया नगर पालिका को मिला। हाट पिपलिया में पेयजल की बड़ी समस्या है, करीब 10-12 साल से वहां नलों से पानी नहीं आता है। पेयजल के लिए, हैंडपंप खनन के लिए 1 करोड़ रुपया कमलनाथ जी सरकार ने, माननीय जयवर्धन सिंह जी तत्कालीन मंत्री थे नगरीय प्रशासन, उन्होंने 1 करोड़ रुपया उसमें दिया, और सब दूर हैंडपंप बोरिंग भी हुए। तो 1.5 साल में काफी काम हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र को मिले हैं कांग्रेस सरकार में। मनोज चौधरी जी झूठे ही आरोप लगाते हैं कि मेरे काम की औरत है इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, मैं इसको एक सिरे से खारिज करता हूँ। राजबीर जी, यहाँ पर अगर व्यवसाय के तौर पर देखा जाए तो कोई बहुत बड़े व्यवसाय नहीं है, व्यवसायिक स्तर तौर पर भी हाट पिपलिया पिछड़ा हुआ है, किसानों की खेती के पर ही निर्भरता है, लेकिन किसानों को भी केवल ये कहा जाता है कि केवल उनको विश्वास से दिलाया जाता है लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। मैडम, मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि 15 साल से जो औद्योगिक क्षेत्र, इसी उद्देश्य से उसको डेवलप किया गया था कि छोटे और छोटे व्यापारियों को इसको काम धंधा रोजगार मिले, छोटी फैक्ट्रियां आए, छोटी इंडस्ट्रियां आए, उनको सारी सुविधाएं मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले, पानी मिले, उसी के लिए वो डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया था कांग्रेस सरकार ने, और उसको डेवलप भी किया था, किंतु इंडस्ट्री वगैरह उस समय वहां नहीं लग पाई थी। इस कारण रोजगार से वहां का युवा आज भी वंचित है। कृषि प्रधान हमारा विधानसभा क्षेत्र है और सब कृषि पे निर्धारित है। तो निश्चित रूप अगर कांग्रेस को मौका क्षेत्र की जनता देती है तो हम पहली प्राथमिकता से उस औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप करेंगे जिससे कि वहां के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, ये बताइए कि उपचुनाव का, जो मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा कारण, शुरू सवाल मैंने आपसे किया था कि एक बहुत बड़ा कारण था दल बदल, आपको लगता है कि पार्टी बहुत मायने रखती है या उम्मीदवार का चेहरा बहुत मायने रखता है? क्योंकि जब जनता वोट करती है तो पार्टी को देखकर वोट करती है, या उपचुनाव में छवि जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है, किसका फायदा मिलेगा आपको? दोनों दोनों चीज का फायदा मुझे मिलेगा मैडम। मेरा पारिवारिक संबंध इस विधानसभा क्षेत्र से पिछले 35 साल से है, मेरे पिता 7 चुनाव लड़ चुके हैं, सभी चुनाव में मैं प्रत्येक गांव से जुड़ा हुआ हूं, सभी चुनाव का संचालन मेरे द्वारा ही किया गया। तो हर गांव में, हर व्यक्तिगत, हम लोगों के हर गांव में संबंध है, हर गांव में हमारे कार्यकर्ता है, तो स्वाभाविक है वो लाभ तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी का मतलब आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं राजबीर जी? जी जी 100% में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका IBC 24 से बातचीत करने के लिए।